गुड मॉर्निंग क्लास। पिछले एक्सरसाइज में हम लोगों ने प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन देखी थी, सबट्रैक्शन देखा था। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक, मल्टीप्लिकेशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं वो देखेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, सबसे पहली प्रॉपर्टी है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहते हैं होल नंबर इंटू होल नंबर इक्वल टू होल नंबर, यानी दो होल नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नंबर मिलेगा वो भी क्या होगा, होल नंबर। होल नंबर इंटू होल नंबर इक्वल टू होल नंबर। ठीक है, जैसे मान लो 2 इंटू 3 किया, 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 होता है। अगर 2 होल नंबर है, 3 होल नंबर है, तो 6 भी तो होल नंबर है। ये आपकी पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी आपकी है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ये कहा गया है कि अगर पहले चाहे पहला नंबर रखो उसके बाद दूसरा इंटू करो, और चाहे दूसरा और पहला इंटू करो, दोनों के रिजल्ट सेम आएंगे। यानी अगर a इंटू b आप कर रहे हो या b इंटू a कर रहे हो तो दोनों की वैल्यूज आपको सेम मिलेगी। a इंटू b इक्वल टू b इंटू a, यानी 2 को 3 से इंटू करो, चाहे 3 को 2 से इंटू करो, आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि a इंटू b इंटू सी करिए या a इंटू बी करके उसके बाद c से इंटू करिए, दोनों में रिजल्ट आपको सेम मिलेगा। तो चलिए हम दो वैल्यू ले लेते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 4 कर लिया। तो देखो 3 4 पहले इंटू होगा ब्रैकेट के अंदर है, 4 3 12, 2 इंटू 12 हुआ, तो 12 इंटू 2 24 आ गया। इधर देखिए a की वैल्यू 2 रखना है, इंटू बी की वैल्यू आपको 3 रखना है, सी की वैल्यू रखना है 4, 2 3 जा 6, 6 इंटू 4 इक्वल टू 24। देखो दोनों के रिजल्ट बराबर है, यानी आप a इंटू बी इंटू सी पहले करके तब ऐसे इंटू करो या a इंटू बी करके फिर c से इंटू करो, दोनों तरफ से रिजल्ट बराबर आएंगे। ये प्रॉपर्टी आपकी क्या कहलाएगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। देन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब हो गया किसी भी नंबर में आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे या 1 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आपको वापस मिल जाएगा। मतलब 1 आपका क्या हो गया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गई। इससे अगर आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आपको वापस रिजल्ट में मिल जाता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होगी, ओवर एडिशन। मतलब अगर a क्रॉस a इंटू बी प्लस सी दिया है तो ये दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो इसको हम a इंटू बी लिख सकते हैं प्लस a इंटू सी लिख सकते हैं, और सब्सट्रैक्शन पे भी होगी। तो दूसरा है आपका सब्सट्रैक्शन, यानी a इंटू
बी माइनस सी अगर दे रखा है, दिस इज इक्वल टू ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी, ठीक है। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कि ये प्लस वाले साइन पे ए डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, यहाँ माइनस वाले साइन पे ए डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इसीलिए ये सब्सट्रैक्शन की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है और ये एडिशन की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज जो है आपकी किसकी हैं, मल्टीप्लीकेशन की हैं, ठीक। अगर हम ऐसे डिवीजन की प्रॉपर्टी देखें तो डिवीजन में कोई भी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती, केवल एक प्रॉपर्टी यही जो आइडेंटिटी वाली है यही होल्ड होती है, ठीक। डिवीजन की भी आइडेंटिटी यही होगी, यानी वन से आप किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे तो वही नंबर आपको वापस मिल जाएगा, ठीक है। तो केवल यही मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी वाली जो प्रॉपर्टी है यही डिवीजन में होल्ड होगी, बाकी कोई प्रॉपर्टी इसमें होल्ड नहीं होती है, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि जैसे मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी है सेम प्रॉपर्टी ऐसे उसमें भी होती है, लेकिन उसमें कोई भी होल्ड नहीं होती है केवल एक को छोड़ के। कौन सी होल्ड होती है? मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी होल्ड होती है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं। एक चीज और देख लेते हैं, डिवीजन एल्गो। डिवीजन एल्गोरिथम क्या है? जैसे मान लो आप कोई चीज डिवाइड करते हो, देखिए एक नंबर आप बीच में रखोगे, उसको डिवाइड करोगे, किसी नंबर से डिवाइड करते हो तो कुछ ना कुछ आपको रिजल्ट मिलता है और साथ में एक रिमाइंडर बचेगा। तो जिस नंबर को डिवाइड करना होता है वो डिविडेंड होता है। इसको जिससे आप डिवाइड करते हो उसको बोलते हैं डिवाइजर। जो आपको रिजल्ट मिलता है वो क्वोशेंट होता है, और जो लास्ट में नीचे बचेगा ये रिमाइंडर होगा, ठीक है। जब इसको सॉल्व करके लाते हैं तो लास्ट में कुछ बच जाता है जो नहीं कैंसिल होता, वो रिमाइंडर होगा। जिससे आप डिवाइड करते हो डिवाइजर, जिसको डिवाइड करते हो डिविडेंड, और ये क्वोशेंट हुआ, ठीक है। तो इन चारों में एक रिलेशन होता है, वो आपका क्या कहलाएगा? डिविजन एल्को। यानी इसका इसका मल्टीप्लीकेशन करो और इसको प्लस कर दो तो आपको डिविडेंड वापस मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं इसको डिवाइजर इक्वल टू सॉरी डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ये आपका क्या हो जाएगा? डिविजन एल्गो होगी। अब हम चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं, एक्सरसाइज 2.3। पहला क्वेश्चन है आपका, यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ पहला नंबर 250 इंटू 38 इंटू 40। इसको मल्टीप्लाई करना है सुटेबल प्रॉपर्टी का यूज़ करके। तो सुटेबल प्रॉपर्टी में जितने आसानी से, मतलब वो प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जिसमें आसानी से हम इंटू कर लें, हमें कोई झंझट ना हो। तो हम क्या करेंगे, 250 को पहले 40 के साथ रख लेंगे, यू गेट 250 इंटू 40। इसको एक ब्रैकेट में करो, इंटू 38 अलग कर दो, ठीक। यानी एसोसिएटिव टाइप की प्रॉपर्टी लग रही है। अब 25 को 4 से इंटू करो कितना आएगा, 100 आएगा, ठीक। एक जीरो यहाँ ये उतार लो, एक जीरो यहाँ ये उतार लो, कितना आ गया, 10,000। इसको 38 से मल्टीप्लाई करो, तो 38 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 38 आ जाएगा। बाकी के चार जीरो हैं, चार जीरो इसके पीछे आप बढ़ा दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी आप इसको 38 से करते तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, लेकिन हमने प्रॉपर्टी लगा दी तो आसानी से ये मल्टीप्लाई हो गया।
इसी तरह से प्रॉपर्टी जिससे आपका क्वेश्चन आसान हो जाए वो प्रॉपर्टी लगा के आपको बाकी के पार्ट करने हैं। सेकंड नंबर है, इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर। जैसे पहला क्वेश्चन है, सेकंड का फर्स्ट, दूसरे का फर्स्ट है 2, 4, 5, 9। तो देखिए ये नंबर दोनों में सेम है, इसको आप ए लेट कर लीजिए, ये बी और ये सी, तो कुछ ऐसे लिखा हुआ है ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। अगर इस तरह का होता है तो डिस्ट्रीब्यूटिव सब्स्टिट्यूशन का डिस्ट्रीब्यूटिव है, तो आप ए को बाहर कर लो, ए इंटू बी माइनस सी इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो कॉमन क्या है, ये वाला टर्म कॉमन है, इसको पहले ए की जगह लिख लीजिए 2, 4, 5, 9, 8 इंटू बी, बी की जगह है 159 माइनस सी की जगह 59। अब देखिए 159 में से 59 जाएगा कितना बचेगा 100, 2, 4, 5, 9, 8 इंटू 100 सीधा सीधा इंटू हो जाएगा 1 से इसका इंटू, बाकी दो जीरो पड़ जाएंगे तो हो जाएगा 2, 4, 5, 9, 8, 00। ये आपका आंसर हो गया, प्रॉपर्टी लगाई, आसानी से सॉल्व हो गया। ठीक, इसी तरह से आपको भी प्रॉपर्टी लगानी है और आसानी से इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट है, आपको प्रॉपर्टी के नेम बताने हैं कौन कौन से हैं, तो मैं एक तो दिखा रहा हूँ आपको थर्ड का, पहला लिखा हुआ है ए क्रॉस बी प्लस सी, इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। ए बराबर आपको दे रखा है 15, बी बराबर 7 और सी बराबर 3। ये वैल्यू पुट करके देखना कि ये प्रॉपर्टी होल्ड हो रही कि नहीं हो रही, ठीक है, और जो सेटिस्फाई हो जाए उस प्रॉपर्टी का नाम भी लिखना है। तो वैसे आपको दिख रहा है कि ये प्लस का डिस्ट्रीब्यूट हुई है, तो आप इसको लिख सकते हो डिस्ट्रीब्यूटिव, किस पे ओवर एडिशन, किस पे लग रही है वो यहाँ के साइन से पता चलता है, अगर यहाँ प्लस है तो एडिशन पे लग रही है, अगर यहाँ माइनस है तो सब्ट्रैक्शन पे लग रही है। अब देखिए इधर एलएचएस में वैल्यू रखिए, लेफ्ट हैंड साइड ए की जगह 15 इंटू बी की जगह 7 प्लस सी की जगह 3, 7 और 3 10 हुआ, 15 इंटू 10 इक्वल टू 150। आरएचएस आपका ये टर्म राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में लिखा है ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ए की वैल्यू आपकी है 15, क्रॉस बी की वैल्यू है 7 प्लस 15 इंटू 3, 15 इंटू 7 करोगे 105 प्लस 45, ये दोनों मिलके हो गए 150, दोनों तरफ से बराबर है, दोनों तरफ से रिजल्ट बराबर आ गए और ये प्रॉपर्टी होल्ड हो गई। ठीक, प्रॉपर्टी होल्ड हो गई तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन हो गया। इसी तरह से आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, जो नहीं आएगा वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। थैंक यू।